ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। श्री दामोदर लीला में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने सुना कि नारद मुनि नलकुवर और मणिग्रीव को गंगा जैसी पवित्र नदी में पाप करते हुए देखकर उन पर अनुग्रह करते हुए कुछ वचन कहते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, श्री नारद उवाच, न हन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजोगुण श्रीमदाद अभिजात्य दीर्यत्र स्त्रीदूत्यम आसवः। तो नारद जी कहते हैं कि सबसे बुद्धि को नष्ट करने वाला जो कार्य है वह है धन का नशा। धन होने के कारण ही व्यक्ति अपनी बुद्धि का नाश करता है और रजोगुणी कार्यों में लग जाता है। उसमें सबसे पहला कार्य होता है कि धनी व्यक्ति जो है वह सबसे पहले फंसता है स्त्रियों में। इस संसार में भी हम देखते हैं कि स्त्रियों में फंसने वाले व्यक्ति ज़्यादातर धनी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि धनी व्यक्ति ही व्यभिचार का खर्चा उठा सकता है। इसलिए धन के कारण सबसे पहला यह पाप होने लगता है और पैसे के कारण ही यह व्यभिचार फैला हुआ है। कुछ स्त्रियां भी जो व्यभिचार करती है वो भी या तो पैसा पाने के लिए व्यभिचार करती है या तो फिर पैसा किसी को देकर व्यभिचार करती है। इसलिए यह स्त्रियों के नशे में पड़ने के बाद व्यक्ति दूसरी आदत में लगता है, जुआ खेलने लगता है। जुए के साथ साथ वह यह सोचता है कि किस तरह से मैं अपना धन डबल कर दूं। सभी व्यक्ति की यह इच्छा रहती है कि मेरे पास जितना धन है वह धन आज जितना है कल उससे डबल हो जाए, और इसी शॉर्टकट में व्यक्ति जुए का आश्रय ले लेता है। जुआ खेलना ये भी धनिकों का काम है, क्योंकि जुआ खेलने के लिए जो पैसा लगता है उतना पैसा गरीब व्यक्ति के पास नहीं होता है। इसलिए गरीब व्यक्ति जुआ नहीं खेल सकता है, या तो वो खेलता भी है तो अपने लेवल पर, लेकिन यह बड़े बड़े जो कैसीनो बनते हैं या जो लोग रेस या कुछ भी में पैसा लगाते हैं यह केवल धनी व्यक्ति कर सकते हैं। और जुए के बाद तीसरा आता है पाप, वो है नशा। कभी कभी बड़े व्यक्ति अपने स्टेटस के लिए क्या करते हैं, नशा करने लगते हैं। वो दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब उनके समाज में सामान्य होता है और इसी के कारण यह व्यक्ति पतित हो जाते हैं। जैसे हम इस कथा में सुन सकते हैं कि देवताओं के पुत्र होने के बाद भी यह दोनों वारुणी नाम की मदिरा का सेवन करते थे, अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में घूमते थे, और इस तरह से उन्होंने अपने देवत्व की कुछ भी शर्म नहीं करते हुए पाप को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। और यही कारण था कि नारद मुनि उनके पास आकर उनको यह बात समझा रहे हैं। एक बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई भी साधु जब किसी व्यक्ति से मिलता है तो उस व्यक्ति से मिलकर यदि उसको श्राप भी दे देता है तब यह समझना चाहिए कि वह उन पर अनुग्रह कर रहे हैं, क्योंकि बिना साधु के अनुग्रह के व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी इस घटना में हम देखते हैं कि नारद मुनि श्राप देने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन एक सिद्धांत समझिए कि जब तक कोई व्यक्ति को भगवान के भक्तों की संगति, चाहे श्राप के कारण हो या वरदान के कारण, कोई साधु यदि हमें वरदान देते हैं या श्राप देते हैं, दोनों में साधु का एक ही भाव रहता है और वह है जीवों का कल्याण करना। कभी वे वरदान के द्वारा कल्याण करते हैं तो कभी शाप के द्वारा। आप पूरे वैदिक शास्त्र में देखिए, कोई भी साधु ऐसा नहीं है कि जिसने शाप दिया और सामने वाले का कल्याण न हुआ हो।
हम भागवत के आठवें स्कंद में चलते हैं, जहाँ समुद्र मंथन कथा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है। उसमें भी जो गजेंद्र है, और ये गजेंद्र मोक्ष का भी उपाख्यान है वहाँ पर, तो इन कथाओं में हम ये गजेंद्र की कथा में यदि देखें तो गजेंद्र जो कि एक हाथी के रूप में था, फिर भी उस सरोवर में जब उसने भगवान को याद किया तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहाँ प्रकट हो गए। अब एक प्रश्न हो सकता है कि हाथी के बुलाने से भगवान वहाँ पर कैसे प्रकट हो गए, तो उनके उत्तर में गजेंद्र के पूर्व जीवन की कथा कही गई है कि पूर्व जीवन में यह इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था, और राजा होते हुए भी इसने सोचा कि मैं तपस्या करने जाऊंगा। अब राजा होकर जब यह तपस्या करने चले गए तो हुआ यूं कि जब वह तपस्या कर रहे थे तो उनके वहाँ एक दिन अगस्त्य मुनि का आगमन हुआ, और अगस्त्य मुनि जब आए फिर भी राजा अपनी तपस्या में लीन थे। अगस्त्य मुनि को लगा कि ये राजा है फिर भी तपस्या में इतना लीन होने का ढोंग करता है, और इसलिए अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम तपस्या करते हुए हमारा सम्मान आदर सत्कार नहीं किए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जैसे जड़वत खड़े रहे हो ऐसे ही जड़ प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। और तब यह श्राप सुनकर राजा ने कहा कि हे महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं तप कर रहा था और मुझे ये आपने हाथी का शरीर दे दिया। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि ये मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए किया है, क्योंकि यदि तुम मनुष्य रूप में रहते तो तुम्हारी तपस्या भंग होने का चांस था, जैसे मनुष्य की आसक्ति विषयों में जल्दी लग जाती है तो तुम्हारी तपस्या भी नष्ट हो सकती थी, इसलिए मैंने अनुग्रह देकर तुम पर कृपा की है, इसलिए तुम हाथी के शरीर में चले जाओ। क्यों? क्योंकि यदि तुम हाथी के शरीर में जाओगे तो वहां तुम्हें कोई समस्या नहीं रहेगी और मेरी कृपा से तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो जब अगस्त्य जी ने कहा कि यह श्राप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हाथी के शरीर में तुम्हें कोई विषय वासना बांध नहीं सकती है, तो उसी के आधार पर अगस्त्य जी का श्राप जो है यह इंद्रद्युम्न महाराज के लिए सफल हो गया, और उसी गजेंद्र के शरीर में इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई। उसी तरह से यदि हम देखें कि उस गजेंद्र का जो पैर पकड़ लिया था वो मगरमच्छ, वह जो ग्राह था, वह ग्राह ने भी अगले जन्म में एक अपराध किया था। वह ग्राह एक देवता था जिसका नाम था हुहु, या हुहु नामक एक गंधर्व था। देवल ऋषि एक दिन नदी के जल में संध्या कर रहे थे, और संध्या करते समय यह गंधर्व जो है वो पानी में नीचे से आया, और क्या किया, उन्होंने देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया और देवल ऋषि का पैर पकड़कर उन्हें जल में गिरा दिया। देवल ऋषि ने श्राप देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने भी मेरे साथ यह कृत्य किया है वह व्यक्ति अगले जन्म में ग्राह बन जाएगा। जब गंधर्व ने यह बात सुनी, उन्होंने ऋषि मुनि के चरणों में प्रार्थना की कि मैंने गलती से आपके साथ यह दुर्व्यवहार कर दिया है, इसलिए कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब देवल ऋषि कहते हैं कि गजेंद्र नामक भगवान का एक महान भक्त आने वाला है, उस भक्त का यदि तुम चरण पकड़ लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इन दोनों घटनाओं में हम देख सकते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज और ये हुहु नामक गंधर्व दोनों को ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ था, लेकिन यह श्राप कृपा में परिवर्तित हो गया, ग्रह का भी उद्धार हो गया भगवान के हाथों से, और वह गजेंद्र का उद्धार स्वयं भगवान ने कर दिया। ऐसे ही यदि हम रामायण में देखें तो अहल्या जी का प्रसंग है। अहल्या जी को जब गौतम ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया तो इस लीला को पढ़कर या सुनकर बहुत लोग ये कहते हैं कि अहल्या के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन सोचिए गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया है यह श्राप अहल्या के लिए अनुग्रह बन गया। वो कहती है जब भगवान राम के चरण का स्पर्श हो जाता है तब अहल्या
भगवान की स्तुति वह करते हुए कहती है, मुनि शाप जो दीन्हा अनुग्रह कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना, कि मेरे पति के द्वारा मुझे जो शाप मिला है मैं तो मानती हूँ कि वह शाप नहीं वह वरदान था। और सोचिए यदि अहल्या को शाप नहीं मिला होता तो क्या वे भगवान राम का दर्शन कभी कर पाती या भगवान राम की कृपा कभी उसे प्राप्त हो सकती थी? नहीं, लेकिन श्राप मिलने के कारण उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो भगवान के भक्त जब भी श्राप देते हैं तो समझ लेना चाहिए उसमें भी हमारा कल्याण है, या कभी वो वरदान भी दे देते हैं तो समझिए उसमें भी हमारा कल्याण है। तो नारद मुनि श्राप तो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसी के साथ साथ ये दोनों को समझा भी रहे हैं कि देखो धन के नशे के कारण ही व्यक्ति पाप में लगता है, चाहे वह स्त्रियों का पाप हो, जुआ का पाप हो या फिर मदिरापान। तो नारद मुनि आगे कहते हैं कि ऐश्वर्य के मद से और श्री के मद से अंध बना हुआ व्यक्ति अपनी जो इंद्रिया है उनके अधीन रहना यह क्रूर पुरुष दूसरे व्यक्ति को जो अपने ही समान एक शरीर को धारण किए हुए है उसी शरीरधारी जो जीव है उनके शरीरों को नष्ट करके वह खाने लगते हैं। अंततः नारद मुनि मांसाहार की ओर इशारा कर रहे हैं। यह चारों नियम जो श्रील प्रभुपाद ने हमारी संस्था में दिए हैं कि सबसे पहला नियम है व्यक्ति को मांस नहीं खाना चाहिए, दूसरा है व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए, तीसरा है व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए और चौथा है उनको व्यभिचार नहीं करना चाहिए। नारद मुनि भी इन्हीं चार बातों को यहाँ पर इंगित करते हैं। और ये चार पाप होते हैं जब हमारे पास धन होता है। आज देखिए दूसरे जीवों को मारकर खाना ये कोई ठीक बात तो नहीं है, वे भी हमारी तरह अपने शरीर को लिए हुए इस संसार में प्रकट होते हैं, लेकिन धन के नशे में आकर लोग ऐसे मूंगे पशुओं की हत्या कर देते हैं। कोई शिकार के नाम पर हत्या करता है, कोई अपना बिजनेस चलाने के लिए हत्या करता है, या कोई व्यक्ति उस पशुओं को खाने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं। तो इस तरह से यह धन के नशे में रहने वाले व्यक्ति अपना जो अहंकार होता है उसे प्रकट करने का प्रयास करते हैं। आगे नारद मुनि कहते हैं कि धन के नशे के कारण यदि हम ऐसा समझते हैं कि हमारा यह जो शरीर है यह अमर रहने वाला है और दूसरों का जो शरीर है यह नष्ट होने वाला है तो यह भी सबसे बड़ी मूर्खता है। इस संसार में व्यक्ति ये सब पाप क्यों करता है? कभी कभी व्यक्ति को अपने नाम की पड़ी होती है। तो नारद मुनि कहते हैं कि हन्यते पशवो यत्र निर्दये रजितात्म भी मन्यमानेर इमं देहम जरा मृत्युम नश्वरम। यह शरीर नश्वर है, इस बात को व्यक्ति देख नहीं पाता है और कहते हैं देव संगीतम अपियंते कृमिविड भस्म संगीतम। इस शरीर में जो संज्ञाएं लगी रहती है ना, किसी को हम भूदेव कहते हैं, किसी को नरदेव कहते हैं, किसी को देव के नाम से संबोधन करते हैं, लेकिन यह सब नामों से प्रसिद्ध होने वाले यह जो शरीर है इन शरीरों की अंत में क्या गति होने वाली है? यह जितने भी हमारे शरीर है यह अंत में क्या होंगे? तो कहते कृमि विड भस्म संगीतम, या तो इस शरीर में कृमि उत्पन्न हो जाएंगे, कीड़े जो इसी शरीर से उत्पन्न होकर इसी शरीर को खा जाते हैं। जैसे इस शरीर को कोई व्यक्ति जमीन में गाड़ देता है तो जमीन में गाड़ने के बाद क्या होता है, इसी शरीर से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि कीड़े प्रकट होते हैं और वही कीड़े इस शरीर को खाने लगते हैं। कुछ पारसी जैसे लोग जो है वे क्या करते हैं, ये मरे हुए शरीरों को कुत्ते या सियार जैसे पशुओं को खाने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। और ऐसे पशु जब इन शरीरों को खा जाते हैं तो क्या होता है, ये शरीर भी उसी पशुओं की विष्ठा बन जाता है, उनका मल बन जाता है और इस तरह से वह पंचमहाभूत में विलीन हो जाता है। और तीसरी हिंदुओं की जो परंपरा है जिसमें शरीर को जलाया जाता है तो जलने के बाद भी यह शरीर जो है यह पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है। इस शरीर को आप कितना भी बड़ा नाम दे दे, इसको कितना भी अच्छा रखने का प्रयास करें,
लेकिन अंत में यदि इनकी तीन ही गति होने वाली है तो सोचिए इस शरीर पर क्या अहंकार करना है। अर्थात कि हम इस शरीर में कुछ भी अहंकार नहीं कर सकते हैं, और ऐसे नष्ट होने वाले शरीर से यदि हम इस संसार में दूसरे प्राणियों का द्रोह करते हैं या विरोध करते हैं तो समझ लीजिए कि इस कर्म से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। हम केवल दूसरे प्राणियों से ईर्ष्या इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे आसपास रहने वाले व्यक्तियों से हमें ईर्ष्या या द्वेष हो जाती है। तो ऐसा करने से व्यक्ति को केवल नरक ही मिलने वाला है। आगे नारद मुनि कहते हैं कि बताओ शरीर किसकी संपत्ति है, देह किम अन्नदातु हो स्वम निशे कर्तुम मातरेव च मातु पितुर्वाह बलिन क्रेतुर अग्ने सुनो पीवा। बहुत सुंदर प्रश्न नारद मुनि ने कहा किया है कि सबसे पहले ये बताओ ये शरीर है किसका। यह शरीर जो अन्न देकर जो हमें जिलाता है उनका है यह शरीर, या फिर गर्भाधान करके माता के गर्भ में हमें जो स्थापित करता है उस पिता का यह शरीर है, या 9 महीने तक जो माता अपनी कोख में रखकर हमें इस जगत में जन्म देती है क्या यह शरीर उसका है, या फिर जो बलवान व्यक्ति इस शरीर से अपना कार्य करवा लेता है यह शरीर उनका है। और आगे कहते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे लोग इस शरीर पर अपना दावा करते हैं, जैसे माता कहती है शरीर मेरा है, ये बच्चा मेरा है, पिता कहेंगे ये मेरा है, कोई सेठ कहता है ये मेरा नौकर है, स्कूल में टीचर्स कहते हैं ये मेरा विद्यार्थी है, ऑफिस में बॉस कहते हैं यह मेरा नौकर है, पूरे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति हमारे ऊपर ये सिंबल लगाते रहते हैं। पत्नी कहती है मेरा पति है, बच्चे कहते हैं मेरा पिता है, लेकिन अंत में यह शरीर किसी का नहीं रहता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो यह शरीर हो जाता है अग्नि का, स्मशान में जाते हैं तो यह अग्नि कहती है यह शरीर मेरा है। तो इस तरह से कुछ पशु जो होते हैं यह राह देख कर बैठते हैं कि हाँ अब ये शरीर मेरा होने वाला है। देखिए किसी शरीर को यदि जंगल में छोड़ दिया जाए तो वहाँ कुत्ते भी लड़ते रहते हैं कि ये मेरा शरीर है, यह मेरी हड्डी है, और इस हड्डी और मांस के लिए पशु भी लड़ते रहते हैं। तो क्या ये शरीर उन पशुओं का है? सोचिए इस जीवन में भी और मरने के बाद भी बहुत सारे व्यक्ति हम पर अधिकार जताना चाहते हैं कि यह मेरा है, लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि यह शरीर जो है यह एक मामूली चीज है, और यह प्रकृति से उत्पन्न होता है और प्रकृति में विलीन हो जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पिता से उत्पन्न हुआ है और किसी ने इसे मार दिया है। तो प्रकृति से उत्पन्न होता है, उसमें लीन होता है। ऐसी स्थिति में इस संसार में ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति है जो इसे आत्मा समझकर दूसरे को दुख पहुंचाएगा। आत्मा समझने का अर्थ है को मानता है कि मैं यह शरीर हूं और मैं हमेशा के लिए यहां पर रहने वाला हूं, और इसी सोच के अनुसार ही व्यक्ति इस संसार में दूसरे जीवों को दुख देता है। इसलिए बीजा दूसरे लोगों को दुख देना या दूसरे लोगों के प्राणों का हरण कर लेना ये चीज वह व्यक्ति करता है। आगे नारद मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री यानी कि धन के मद से अंध बने हुए हैं उनके लिए आंख खोलने का एक ही साधन है, और वह है दरिद्रता। अब सोचिए कि जैसे हम मंगलाचरण में श्लोक बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवै नमः, कि हे गुरुदेव आप ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा हमारे अज्ञान रूपी यह जो अंधकार है उसको आप दूर करिए। उसी तरह से धन का नशा यदि दूर करना है तो उस व्यक्ति को गरीब यानी कि दरिद्र बना देना चाहिए, तब उनके मन से यह धन का सब नशा उतर जाएगा, क्योंकि एक दरिद्र व्यक्ति ही सबको अपने समान देख सकता है। धनी व्यक्ति किसी को तुच्छ मानेगा, लेकिन गरीब किसे तुच्छ मानता है? वो तो सबके लिए समान दृष्टि रखने वाला होता है। इसी तरह से कि जैसे किसी को एक बार चोट लगी है
मान लीजिए हम चलकर रास्ते पर जा रहे हैं और हमारे पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभ गया है तब हम उस कांटे की पीड़ा को समझ सकते हैं कि कांटा लगने से क्या पीड़ा होती है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे एक कहावत बंगला में, बंध्या की बुझीबे प्रसव वेदना। जिस व्यक्ति ने कभी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है, जिसने प्रसूति की पीड़ा की अनुभूति ही नहीं की है, वह व्यक्ति कैसे, वह स्त्री कैसे जान सकती है कि प्रसूति की पीड़ा क्या होती है। यानी कि जो बांझ होती है वह कभी प्रसूति की पीड़ा नहीं समझ सकती है। उसी तरह से इस संसार में हमारे कार्य से या हमारे कर्मों से दूसरे जीवों को दुख होता है, यह हम तभी समझ सकते हैं कि जब हम खुद उस दुख की अनुभूति करते हैं। जब तक हम उस दुख की अनुभूति नहीं करेंगे तब तक हमें उस दुख का एहसास नहीं हो सकता है। इसलिए नारद मुनि ने जो दरिद्र व्यक्ति होता है उनकी सराहना की है कि दरिद्र व्यक्ति में अभिमान नहीं होता है और उसमें अकड़ नहीं होती है, वह जड़ नहीं होता है, वह सब प्रकार के मद से मुक्त होता है। बेचारे के पास कपड़े भी नहीं है, अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है, वो क्या अहंकार करेगा, क्या वह दूसरों के सामने लड़ने का साहस करेगा। हम लोग बड़े शहरों में रहते हैं तो ये बात हम समझ सकते हैं कि एक साइकिल वाला जब फोर व्हील वाले से टक्कर मारता है तो वो साइकिल वाला बेचारा उस फोर व्हील वाले को क्या कहेगा। वह नीचे उतरता है, उसको गाली देता है, लेकिन वो साइकिल वाला बेचारा चुपचाप सब कुछ सुनकर चला जाता है। सोचिए ये क्यों सुन लेता है चुपचाप सब चीज़, क्योंकि उनके पास कोई भौतिक पावर या कुछ सत्ता नहीं है। लेकिन फोर व्हील में बैठने वाला एक व्यक्ति क्यों इतना अकड़ दिखाता है, क्योंकि उसे अपनी संपत्ति का नशा है, मेरे पास कार है, पैसा है, तो यह गरीब लोगों को इस तरह से पीड़ा देता रहता है। और भाग्यवश ये गरीब लोग जो दुख भोगते हैं तो वह भी उनकी एक तपस्या नारद मुनि कहते हैं, और वो ऐसी तपस्या है कि जिसके कारण यह व्यक्ति इन सब अनर्थों से मुक्त रहता है। तो इस तरह से नारद मुनि ने कहा कि यदि उसको अनुभूति करवाई जाए उस स्थिति की तो वह स्थिति को समझ सकता है। तब नारद मुनि ने निर्णय लिया कि इन दोनों को यदि निर्धन कर दिया जाए, दरिद्र कर दिया जाए, तो इन दोनों को यह धन का नशा जो है इससे मुक्त किया जा सकता है। तो और भी नारद मुनि ने आगे कुछ शिक्षा दी है, उसे हम श्रवण करेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।